नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन में हम सबसे पहले एक बड़ी खबर देंगे, उसके बाद मेरे तीन सहयोगी हमें आज पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने तीन घुसपैठियों को मार गिराया है। आज सुबह 4 बजे कार्रवाई की है और अजनाला में फायरिंग में ये घुसपैठिए मारे गए हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि दो घुसपैठिए भागने में कामयाब हो गए हैं और इनके पास से पाकिस्तानी मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल जो है बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए राजन गोसाई मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, पूरी कार्रवाई बताइए, कब हुई और फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी मोनिका, आज सुबह 4 बजे की घटना है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीओपी दरिया मंसूर के पास बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात थे। इस दौरान उन्होंने दरिया में से कुछ लोगों की हलचल देखी, घुसपैठ करने की कोशिश में थे वो लोग। इस पर जवानों ने जब उन्हें ललकारा तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। इसके जवाब में बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की और इस दौरान तीन घुसपैठिए वो मार गिराए गए। लेकिन इस जो दो और घुसपैठिए थे वो फायरिंग करते हुए वापस भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद जो है वहां पर सर्च अभियान अभी तक चल रहा है। अभी तक जो पता चला है वहां पर पाकिस्तानी करेंसी का 100 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा मोबाइल फोन और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए हैं और फिलहाल तलाशी वहां पर चल रही है, छानबीन वहां पर चल रही है। अधिकारियों का के साथ बात हुई है, उनका कहना है कि वहां पर काफी घास फूस है और पानी भी काफी है और तलाशी में काफी समय भी लगेगा, लेकिन फिर भी वो सारे इलाके को छान रहे हैं। और करीब 3 बजे के आसपास बीएसएफ के अधिकारी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी जो है देंगे। जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है, 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया पूरी जानकारी बीएसएफ की तरफ से दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसएफ ने तीन घुसपैठियों को मार गिराया है। दो हालांकि भागने में कामयाब रहे हैं लेकिन इनके पास से पाकिस्तानी मोबाइल और सिम भी बरामद हुआ है। हाँ चलिए, अब मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ नेहा है, हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगी। इसके साथ साथ महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा की बड़ी खबरें हमें बताएंगे। और मोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले नेहा, आपका रुख करना चाहूंगी आज पंजाब की। अगर बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? देखिए मोनिका, पंजाब की अहम खबरें जो हैं आज जो रहने वाली हैं वो है पंजाब कैबिनेट की बैठक जो कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अगुवाई में होगी। और आज जो है काफी लोगों के लिए एक खुशी वाली खबर जरूर आ सकती है क्योंकि काफी विभागों की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, भर्तियां हैं, उनको हरी झंडी जो है वो कैबिनेट से मिल सकती है। और साथ ही साथ जो है मोनिका, जिस तरीके से पूरे पंजाब में हालात बने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, तो उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो हो सकती है कैबिनेट में। और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इसके ऊपर निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। शाम को 4 बजे ये जो बैठक है वो होगी। और अगर दूसरी खबर की बात करें मोनिका, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नया जो है निकाला गया है कि जिस तरीके से ये कहा गया है कि किसी को भी अगर कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो वो जो है उनके लिए बकायदा एक एफिडेविट जो है वो भरवाया जा रहा है कि वो किसी भी पार्टी से जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरीके की स्ट्रैटेजी मोनिका जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाई गई है और फैक्शनलिज्म यानी कि गुटबाजी को तोड़ने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है मोनिका। और इसके पीछे जो है प्रशांत किशोर जो है वो जरूर है और अब यही देखना रहेगा कि इसका क्या जो है इफेक्ट्स रहेंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को तभी हुआ था जब उन्हीं के नेताओं को टिकट नहीं मिली थी उनकी पार्टी से और वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर कांग्रेस को जो है काफी ज्यादा बड़ा डेंट पड़ा था और कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस फैसले के कारण क्या कुछ जो है इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसके ऊपर निगाहें जो है वो बनी रहेंगी। और बकायदा मोनिका एफिडेविट जो है वो भी भरवाया जा रहा है, तो क्या कुछ होगा इसके ऊपर निगाहें बनी रहेंगी। और तीसरी खबर की बात करें मोनिका, तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हल्के विच कैप्टन की मुहिम के तहत आज बरनाला में होंगे, वहां पर नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ रहेगा। और अभी जो फिलहाल खबर आई है कि बीएसएफ ने तीन घुसपैठियों को मार गिराया है, तो बीएसएफ इससे रिलेटेड जो है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो उसके ऊपर निगाहें हैं वो बनी रहेंगी। और साथ ही साथ मोनिका, लोगों के लिए जो एक इफेक्ट करने वाली खबर आज की है
कि SBI ने जो फैसला लिया है कि 5 एसोसिएट्स बैंक को मर्ज किया जाएगा, जिसके कारण जो है SBI के काफी एम्प्लॉयज जो है वो हड़ताल पे हैं, 2 दिन के हड़ताल पे हैं, तो लोगों के ऊपर तो इसका असर पड़ेगा ही, स्टेट एक्सचेक्चर के ऊपर इसका नुकसान भी पड़ेगा। तो क्या कुछ इसके इफेक्ट रहेंगे, इसकी निगाहें जो है हमारी बनी रहेंगी? और साथ ही साथ अगर मोनिका मौसम की बात करें तो बहुत दिनों बाद जो है मौसम आज थोड़ा बेहतर जरूर हुआ है, क्योंकि बारिश जो है वो चंडीगढ़ में हुई है पिछले हफ्ते, हालांकि बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन आज थोड़ा बहुत जो है लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, और उसके बाद ऑब्वियसली जो ह्यूमिडिटी लेवल जरूर बढ़ेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए लोगों को राहत जो है वो जरूर मिलेगी। तो ये तमाम खबरें हैं मोनिका जिसके ऊपर निगाहें आज जो हमारी बनी रहेंगी। बिल्कुल, तमाम अपडेट भी आपसे लेंगे नेहा। फिलहाल मैं महेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, अगर हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो आज हरियाणा में कौन कौन सी बड़ी खबरें? मोनिका, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होनी है, इस पर नजर बनी रहेगी इसमें क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि अनौपचारिक बैठक होती है लेकिन कई बार देखा गया है कि इसके भीतर से कई बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं और फिर वो आगे चलकर कई तरीके की चर्चाओं का विषय भी रहे हैं। नजर बनी रहेगी कि आज इसमें क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो एक बैठक होनी है इंडियन नेशनल लोकदल की, राज्य कार्यकारिणी की रोहतक में ये बैठक होगी और इसमें प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं उन पर चर्चा होगी और आगे किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, वो चाहे कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा हो, JBT टीचर्स का मुद्दा हो, या फिर जो चयनित JBT टीचर्स हैं उनका मुद्दा हो, उसके अलावा जो किराए भाड़े में बढ़ोतरी हुई है रोडवेज के उसका मुद्दा हो, या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किन किन मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकार को घेरना है, इस पर चर्चा इंडियन नेशनल लोकदल करने जा रही है। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबरों की बात की जाए तो कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह लगातार बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल जो किरण चौधरी CLP लीडर हैं कांग्रेस की, उनकी तरफ से बयान आया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद तो काफी ईमानदार और शरीफ है लेकिन उनके आसपास के लोगों पर उन्होंने टिप्पणी की थी। इसके बाद किरण चौधरी अपनी ही पार्टी के भीतर घिरती नजर आ रही है और जो उनका विरोधी खेमा माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा, उनके 5 विधायकों की ओर से किरण चौधरी का इस्तीफा मांगा गया है। इसके ऊपर लगातार बयान जारी है, रोज करना कोई विधायक उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बयानबाजी करता है और किरण चौधरी अपने बचाव में बयानबाजी करती हैं। अन्य खबरों की बात की जाए तो मॉनसून पर लगातार नजर बनी हुई है, कल कई इलाकों में बारिश हुई थी, आज भी इक्का दुक्का इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिव मॉनसून की बारिश है उसका इंतजार अभी भी करना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को बताया जा रहा है कि अच्छी बारिश हरियाणा में हो सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं मोनिका जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। मोहित, आपका रुख करना चाहूंगी, आज हिमाचल की सियासत में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल मोनिका, देखिए हिमाचल की सियासत जो गर्मा चुकी है, जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय का जो मामला और कार्रवाई कह सकते हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ वो तेज हुई है, उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है मुख्यमंत्री से। कल कैबिनेट हुई थी और इसके लिए ही विशेष कैबिनेट बुलाई गई थी जिसमें जो तमाम कैबिनेट के सदस्य हैं उन्होंने एकमत होकर के ये दिखाने की कोशिश की थी कि सरकार स्थिर है। जिस तरह से BJP कह रही है कि सरकार अस्थिर है और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, तो ये जो कवायद है इस पर जो अटकलें लग रही थी इस पर विराम लगाया तमाम मंत्रियों ने और यह दिखाया कि वीरभद्र सिंह के साथ सारे मंत्री जो हैं वो खड़े हुए हैं। इसका आने वाले जो चुनाव है किस तरह से BJP फायदा उठाएगी, रणनीति किस तरह से होगी, इस मुद्दे को लेकर के खासतौर पर मोनिका, क्योंकि जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इसमें परिवर्तन भी आ रहा है, मुद्दों में भी परिवर्तन जो है आ रहा है। अब क्या नई रणनीति रहेगी और किस तरह से BJP जिंदा रखेगी इन मुद्दों को और किस तरह से कांग्रेस पलटवार करेगी इन मुद्दों को लेकर के, यानी क्या चुनाव जो है इस मुद्दे के साथ BJP जीत सकती है या फिर कांग्रेस जो है BJP को पटकनी दे सकते हैं पलटवार करके, इस खबर पर जो है हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जो मॉनसून सेशन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 से 27 तक जो है ये मॉनसून सेशन चलेगा और 25 तारीख की छुट्टी रहेगी, तो 6 दिन का मॉनसून सेशन में 5 बैठकें जो है वो होंगी। लेकिन जो मॉनसून सेशन है वो भी अभी जो आसार लग रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, आसार जो है वो अभी से ही दिखना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं सरकार के खिलाफ और सीधे निशाने पर उनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हैं जो कि सदन में जो पक्ष है उसके नेता रहते हैं, तो ऐसे में ये कितनी अच्छी चल सकती है विधानसभा इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। मॉनसून की बात कर ले तो जिस तरह से नेहा ने बताया कि चंडीगढ़ में मौसम बहुत सुहावना हो गया है,
तो यहाँ पर भी काफी दिनों के बाद शिमला में खासतौर पर मोनिका बारिश जो है उसका आगाज हुआ है आज फिर से काफी समय के बाद, और उमस जो है वो यहाँ के जो उमस छाई रही थी शिमला में भी उमस बहुत थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी, लेकिन उससे राहत जरूर मिली है और बारिश जो है वो सुबह से ही हो रही है। हालांकि हल्की बारिश है लेकिन स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी परेशानी ये है क्योंकि ऑफिस जाने का समय रहता है, अपने स्कूल जाने का समय रहता है बच्चों के लिए, लेकिन जो सैलानी गिने चुने सैलानी जो रहे हैं अभी यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट सीजन अभी नहीं चल रहा है, तो सैलानी जो भी यहाँ पर आए हैं वो इस बारिश का मजा जरूर ले रहे हैं। तो पूरा शहर जो है वो जो फॉग है उसने अपनी चादर सफेद चादर में पूरे शहर को जो है वो ले लिया है और ऐसे में आज मौसम जो है काफी सुहावना बना है कई दिनों के बाद। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं मोनिका जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी। बिल्कुल, तो मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन सियासत जो है हिमाचल में उफान पर है। मोहित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा से हमारे साथ महेंद्र जुड़े थे, महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा ने हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताई, नेहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।